एकलव्य विद्यालय प्राचार्य पर महिला शिक्षकों ने लगाया भेदभाव, मानसिक परेशानी देने का गंभीर आरोप। प्राचार्य ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। एसडीएम ने दिया जांच करवाने का आश्वासन। हम बात कर रहे हैं उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली एकलव्य आवासीय विद्यालय की, जहां के प्राचार्य के खिलाफ लामबंद महिला शिक्षकों ने मानसिक रूप से परेशान कर भेदभाव करने व रात में विद्यालय से बाहर जाने के कथित आदेश दिए जाने का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला शिक्षकों ने बताया कि वह अपना अध्यापन कार्य पूरी निष्ठा व ईमानदारी से करती आ रही हैं, लेकिन एकलव्य विद्यालय के प्राचार्य द्वारा उनके साथ भेदभाव किया जाता है। महिला शिक्षकों ने बताया कि विद्यालय में कुछ शिक्षक हैं, उन्हें प्राचार्य द्वारा कुछ नहीं कहा जाता। पढ़ती है, हम यहाँ बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ एक बच्चे की माँ भी हैं, तो हमको थोड़ा उसकी भी फिक्र रहती है, क्योंकि वो स्कूल से कितनी समय आती कितनी समय जाती है। तो खाली एक दिन सिर्फ मैंने उससे फ़ोन पर बात करके बोला तो सर ने इस तरीके से कहा। दूसरी चीज़ क्या है कि जो हमारे जो टीचर हैं और टीचर जो हैं, उनको तीन तीन क्लास दी जा रही है, हम लोग को पाँच पाँच क्लास दी जा रही है। हम पढ़ाने के लिए मना नहीं कर रहे, लेकिन हमारे लिए केवल समानता हमको चाहिए, बस हमसे भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, बस समानता का व्यवहार होना चाहिए। कुछ भी बातें होती हैं टीचरों के, टीचर अगर हम आपस में कुछ बातें करते हैं, कोई टीचर तीसरा आके हम पे टेबल ठोक ठोक। प्राचार्य के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि ऐसे मीटिंग मतलब होती है, तो बोलते हैं कि तुमको जहाँ भी हम भेजेंगे तो तुमको जाना पड़ेगा। जैसे हमको कलेक्टर भेजता है, बुलाता है 10 के मतलब रात के 10 बजे अगर बुलाता है तो मैं जाता हूँ, वैसे तुमको मैं जब भी बुलाऊँगा तो तुमको आना पड़ेगा। कहाँ भेजने की बात करते हैं जी? जैसे बाहर कभी भी मतलब स्कूल के परिषद के बाहर, मतलब कभी भी किसी भी टाइम पे अगर बुलाता हूँ, लेकिन तुम्हारे मुँह से एक भी मतलब ना शब्द ना मिलती, तुमको जाना ही पड़ेगा। कहीं भी भेजेंगे जी रात्रि में? हाँ, विदेश भेजना, विदेश भी भेजा जाए, तुमको विदेश भी जाना पड़ेगा। कहाँ का? जब इस मामले में संबंधित प्राचार्य तेन सिंह रघुवंशी से बात की गई तो उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोप को गलत बताया। 17,000 और 15,000 रुपए का मानदेय देते हैं, तो ये रेजिडेंशियल स्कूल आवासीय होने के कारण ये लोग सोचते हैं कि हमारा टाइम 10 से 4 रहेगा, और ये संभव नहीं है। कमिश्नर मैडम का सीधे कहना है कि जब हमने इनका मानदेय बढ़ा दिया 17,000 और 15,000 रुपए, तो इनको जो है पूरे टाइम आपको काम लेना है। क्योंकि आदिवासी बच्चे हैं मेरे, इसलिए मैंने टाइम टेबल में परिवर्तन किया है, 9 से मैंने 4:30 किया है, और इनसे मैं कई बार इनको चेतावनी दे चुका हूँ कि आप बैठ करके नहीं पढ़ाएंगे कुर्सी में, आपको बिना किताब के पढ़ाना है। मैं इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य जो है बच्चों को सही शिक्षा मिलना चाहिए, और इसमें कई लोग इस बात से नाराज हैं कि सर ज़्यादा मेहनत हमसे ले रहे हैं। तो देखिए, ये आने हैं तो पढ़ाने के लिए आए हैं, मैंने स्पष्ट बोल दिया है कि आपको हमारा जो टाइम टेबल उसको फॉलो करना पड़ेगा, जो फॉलो नहीं कर सकते हैं वो कृपया यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि मैं बच्चों का हित ही मेरा सर्वोपरि हित है, और ये यहाँ नौकरी करने के लिए अपने लिए आए। भेदभाव के भी आरोप लग रहे हैं? नहीं, भेदभाव तो ऐसा कुछ नहीं है। भेदभाव मैं किस लिए करूँगा? मेरे लिए सभी लोग बराबर हैं, कहीं ऐसा कुछ नहीं, ये बेबुनियाद है, ये इसमें कोई ऐसा नहीं है। एक गेस्ट फैकल्टी को हमने निकाला है, क्योंकि उसने जो ऐसी हरकत किया है कि वो चाहता तो मैं जेल में उसको बंद कर सकता था, ऐसी हरकत किया मैं आपके सामने उसका बयान नहीं कर सकता हूँ, ऐसे शब्दों किसने इस्तेमाल किया है उसको मैंने जरूर निकाल दिया है, क्योंकि अगर मैं नहीं कार्रवाई करता तो वो जो है निश्चित तौर पर मेरे लिए सिरदर्द बन रहे थे, और ये गुटबाजी कर रहे थे, पढ़ाते नहीं थे, कई बार मोबाइल में आधा घंटा का बात करते हैं, तो प्राचार्य क्या करेगा? प्राचार्य तो नियंत्रित ही करेगा, वो पढ़ने के लिए ही कहेगा। मैंने अब बाकी यदि कोई ऐसा बोल दे कि मैंने उनसे कोई व्यक्तिगत काम लिया है, कोई ऐसा लिया, तो बिल्कुल मैंने नहीं लिया है। एक शिक्षिका है, उनका आरोप आप कह रहे थे कि जब मैं बुलाऊंगा तब तुमको आना पड़ेगा, चाहे 1 बजे रात हो। नहीं, ये कहने का मतलब ये है मेरा कि उस संबंध में जो उनका कहना है सरस्वती है, उसको मैंने बोला था, क्योंकि मैं 2 बार बोला था कि भोपाल आपको जाना है, मेरे पास केवल 3 रेगुलर टीचर हैं, 4 रेगुलर टीचर हैं। अगर गेस्ट फैकल्टी के यदि मैं कहीं भेजता हूँ तो सीधे डिनाई करते हैं, तो अगर वो सीधे डिनाई करेंगे तो मैं स्कूल कैसे चला पाऊँगा? तो मेरा इशारा ये केवल था कि जब से मतलब अर्थ नहीं कि उनको रात को बुलाऊँगा, मेरा मतलब है कि जब भी मैं कोई कहूँगा कि आपको कहीं भी जाना है, कोई भी मेरा गेस्ट फैकल्टी इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि इन्हीं के भरोसे मेरी स्कूल चल रही है, इसलिए मैं जो है उनको ये बात कहा, मैंने 1 बजे से मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। वहीं मामले में एसडीएम दीपक चौहान ने कहा कि अभी तक उनके पास कोई शिकायत नहीं आई, फिर भी मामले की जांच कर आगे की कार्यवाही करेंगे। अब देखने योग्य बात होगी कि आखिर इस गंभीर मामले में प्रशासन क्या कदम उठाता है और पीड़ित को क्या न्याय मिलता है। उमरिया से प्रदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट।